हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा सीटी लैक्रेशन के बारे में। सीटी लैक्रेशन क्या होता है? जो पेट की इंजरीज होती है, जैसे इंजरी भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक अबडोमन में ब्लंट इंजरी या शार्प इंजरी। शार्प इंजरी वो होती है जैसे कोई नकीली चीज, कोई किसी तरह के सरिया या कोई तलवार या चाकू द्वारा पेट में घुस जाना, उसको हम बोलते हैं शार्प इंजरी। और इसके ऑपोजिट सेकेंड होता है ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी होता है जैसे कोई एक्सीडेंट होना या कार का स्टेयरिंग पेट में लगना, छत से गिरना, रोड साइड एक्सीडेंट में पेट में चोट लगनी, या कोई लाठी या कोई किसी तरह की कोई हैवी चीज़ से मारना, ठीक है, पेट में। तो पेट में ऑर्गन्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं लैक्रेशन, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन्स में चोट लगने को लैक्रेशन बोलते हैं, जब खून का रिसाव होना उसको हम लैक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यदि मैं आपको एक सीटी में दिखाऊं अच्छे से, आपके सामने सेस कॉर्नल और एक्सेल है, मैंने एक्सेल को जूम करा, ठीक है। यदि आपके पेट में कोई चोट लगती है, किसी तरह का ट्रॉमा होता है, तो उसमें सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। उस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई मिले, ठीक है। तो ये फटाफट आप इमरजेंसी में जाओगे, ट्रीटमेंट दोगे, ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के लिए भेजेंगे। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि हाँ भी इनका लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, जो भी जितना भी उसमें डिटेल मिलेगी वो सही है। यदि उनको थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि लीवर में, लीवर इंजर्ड है, स्प्लीन इंजर्ड है, जब कोई भी किसी भी ऑर्गन में चोट लगी है, तो आपको सीटी के लिए एडवाइस करेंगे। सीटी में उसमें पूरा पेट आपका आ जाएगा, उसमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट इंजर्ड है, तो उस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको जान बच सके। तो यदि मैं आपको, एक पेशेंट हमारे पास ऐसे ही आया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ सीटी स्कैन में लैकरेशन किस तरह की होती है। ये देखिए, ये सीटी अब्डोमेन है, सीटी अब्डोमेन एक्सेल व्यू आपको दिखा रहा हूँ। यदि मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो, और साथ साथ में बताऊं, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके चोट लगी थी, रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है, जिसमें इसके छाती में पानी भर गया है, ठीक है, इसको इफ्यूजन हो गई है। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। यदि मैं आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसमें एरो मार्किंग करता हूँ, ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी राइट के कंपेयर में कम है बट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, जी लेफ्ट साइड में, ठीक है। यदि मैं इससे और नीचे जाता हूँ, अभी हमने लीवर आ रहा है, लीवर को देखना है, ठीक है, ये देखिए लीवर में दिख रहे हैं, ठीक है, लीवर भी घायल हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है, ठीक है, ये देखिए, ये हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, ये देखो इंजर्ड होने के साइन दिख रहे हैं यहाँ पे लीवर में, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। फर्स्ट तो ये हो गया, अभी सेकंड मैं स्प्लीन में आता हूँ। ये हमारी स्प्लीन है, स्प्लीन को ऊपर से नीचे की ओर हम जाते हुए दिखाई देंगे आपको, ये देखिए, इसमें भी एक छोटी सी लाइन सी दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ स्प्लीन, ठीक है, ये हल्की सी लाइन दिख रही है लैक्रेशन की, स्प्लीन भी इंजर्ड हो चुकी है इसमें हमारी, और ये देखिए नीचे, ठीक है। यदि आपको देखने में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपको नहीं पता चलता कि स्प्लीन इंजर्ड है या नहीं है, ठीक है, तो एक मोटे मोटा आपको आइडिया लगाना है, आपने कुछ नहीं देखना, पहले तो एक बार पेट को देखना है अच्छे से, अब्डोमेन देखना है, इसमें लैक्रेशन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, नहीं दिखाई दे रही तो आपने देखना है, जैसे कि मैंने, मुझे स्प्लीन में नहीं दिखाई दी थी, जब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा इस साइड में फ्लूड इकट्ठा हुआ पड़ा है, ठीक है, स्प्लीन के अराउंड फ्लूड इकट्ठा हुआ है। तो फ्लूड इकट्ठा होगा, इसका मतलब ये है कि स्प्लीन में भी चोट लगी है, जिसके कारण इसके इस साइड में ब्लड या कोई फ्लूड बोल देते हैं, ठीक है, वो इकट्ठा हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि स्प्लीन में भी चोट लगी हुई है। यदि आप ध्यान से देखोगे, हल्का हल्का आपको लीवर के अराउंड में ही फ्लूड दिख रहा है, ये देखिए, जी हल्का हल्का जा रहा है, ठीक है, ये लीवर के साथ साथ में। अभी फोर्थ पे आते हैं किडनीज, तो किडनीज आप ये देखोगे, इसमें जो हमारी राइट साइड वाला किडनी है वो भी इंजर्ड हो चुकी है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, ये तो अच्छे से दिख रही है, यदि नहीं दिख रही होगी तो आपको इसे अराउंड में देखिए, इसमें भी फ्लूड दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है,
यदि चोट लगेगी उसमें कुछ ना कुछ ब्लड तो निकलेगा ही, जैसे आप नॉर्मली लगा लो हमारे हाथ पैर पे भी चोट लगती है तो उसमें ब्लड निकलता है ना, वैसे हमारे ऑर्गन है उसमें भी चोट लगेगी तो उसमें भी ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये राइट रेनल पे इंजर्ड है। और अभी एक और ध्यान से आपने देखना है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। जो हमारी रीनल वेन है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सीधी जा रही है, और ये देखिए आपको यहाँ पे डिफेक्ट एक दिखाई देता है, ठीक है ना। ये हमारी जो वेन है, वेन भी इंजर्ड हो चुकी है, थ्रम्बोस्ड हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये आप ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती है, मैंने अब आपको बता दिया है। आप नॉर्मल भी हो तब भी आपको समझ लग जाएगा, यदि आप एक सीटी टेक्नीशियन हो, ठीक है, आपको नहीं देखना आता तो इस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकोगे कि ये कैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और कैसे देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको किसी भी ऑर्गन के पास फ्लूड मिला तो समझ जाओ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, ठीक है। अभी मैं इसके और नीचे जाता हूँ, रीनल में प्रॉब्लम पकड़ ली हमने, ठीक है, और नीचे जा रहा हूँ, मुझे हल्का हल्का वहाँ पे भी फ्लूड दिख रहा है, ठीक है, इसके और नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें भी फ्लूड हमारे काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बट जो हमारे ऑर्गन इसमें इंजर्ड हो चुके हैं उसके कारण भी, लीवर इंजर्ड है तो नीचे फ्लूड मिला पेरिटोनियल में, इसमें इसका भी एक साइन होता है कि लीवर इंजर्ड होने का कोई ना कोई चांस हो जाता है, ठीक है। यदि ट्रॉमा वाले पेशेंट का आपके ब्लैडर के पास में पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड मिला तो समझ जाइए कि लीवर में कहीं ना कहीं इंजर्ड तो है, चाहे छोटा मोटा हो, सीटी में नहीं पकड़ पाएंगे, बट उसमें समझना है कि हमें लीवर का कोई ना कोई पार्ट इंजर्ड हो चुका है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है इसमें कि हमें ब्लैडर इसका देखना होता है जरूर, ठीक है, ब्लैडर देखना होता है कि इसमें ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब कि ब्लैडर फट तो नहीं गया है जोरदार ट्रॉमा होने के कारण। कभी कभार क्या होता है, जो हमारा यूरिन वाला ब्लैडर होता है, ठीक है, ये फट जाता है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। वैसे तो एक मैं नॉर्मली वीनस फेस में देख रहा हूँ, इसको नहीं दिख रहा ऐसा कुछ, तो इसका हम स्कैन करने के बाद एक डिले लेते हैं, डिले में देखते हैं ब्लैडर को, 10 मिनट का डिले या 15 मिनट का डिले लेते हैं, उसमें ब्लैडर भर जाता है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो ब्लैडर है कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। लीक कर रहा होगा तो समझ जाना कि ये भी फट चुका है, ठीक है, नहीं लीक कर रहा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लैडर है वो सही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक्सेल में बात, जब भी आपको कॉर्नल में दिखाता हूँ तो आपको कॉर्नल में ही कभी ज़्यादातर होता है, टेक्नीशियन को कॉर्नल में अच्छा दिखता है, किसी को एक्सेल में अच्छा दिखता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको कॉर्नल में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए लीवर इंजर्ड हो चुका है, ठीक है, लीवर इंजर्ड है। तो ये स्प्लीन, स्प्लीन के बैक साइड में देखिए जो काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, ये हमारी रीनल है, रीनल भी इंजर्ड है, तो जो उसमें वेन जा रही है, ठीक है ना, ये देखिए वो भी इंजर्ड है। जो ब्लैडर है वो तो सही है, ब्लैडर के ऊपर काफ़ी मात्रा में फ्लूड पड़ा हुआ है, ठीक। तो आपको इजीली समझ लगी होगी, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि नहीं समझ लगी। यदि फिर भी आपको नहीं समझ लगी तो आप मेरे को बता सकते हो कि मुझे लैक्टेशन देखने में प्रॉब्लम आ रही है, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में, कोई किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप बेझिझक होकर मेरे को नीचे कमेंट में बोल सकते हो कि सर मेरे को इस चीज़ में एक बार डिटेल में समझा दीजिए, तो मैं दोबारा उस पर एक छोटी सी वीडियो बना के आपको समझा सकूंगा। या तो मैं आपको मैसेज बाय इंस्टाग्राम पे भी आपको DM मेरे को कर दीजिए, मैं वहाँ भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, थैंक यू।